मैसूरु सिद्धारमैया के एक प्रशंसक ने उन सड़कों की सफाई की जहां प्रधानमंत्री ने गोमूत्र और पानी से रोड शो किया था। पूर्व सीएम सिद्धारमैया के फैन कंसाले रवि ने उस सड़क को गोमूत्र से साफ किया। मैसूर में सयाजी रोड की सफाई की जहां मोदी ने अपना रोड शो गोमूत्र और पानी से किया था। चुनाव से पहले मोदी ने मैसूर के राजमार्ग में भव्य रोड शो किया। इस पृष्ठभूमि में मैसूर कांग्रेस के नेताओं ने सड़क को गोबर और पानी से साफ कर भाजपा पर व्यंग्य किया। बेंगलुरु कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 88% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, इसलिए बहुमत कांग्रेस के पास आ गया है। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी ने मांग की है कि हमारे समुदाय के लिए एक डीसीएम पद नियुक्त किया जाए। राज्य में 90% मुसलमान हैं, 88% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए सभी मस्जिदों में प्रचार और जागरूकता की। इस प्रकार शफी सादी ने कहा कि राज्य में 73 विधायक जिताने में मुसलमानों की अहम भूमिका रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजी और आईजीपी प्रवीण सूद सीबीआई के अगले निदेशक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी की 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति ने शनिवार को उनके नाम को अंतिम रूप दिया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कथित तौर पर समिति की सिफारिश के आधार पर सूद की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अभी आदेश का इंतजार है। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए निर्धारित होता है। कनीज फातिमा कांग्रेस की इकलौती मुस्लिम महिला विधायक ने कहा हिजाब से प्रतिबंध हटाएंगे। फातिमा ने बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल को 2712 वोटों से हराया। इस जोड़ी को 2018 के चुनावों में भी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया था जहां फातिमा विजयी हुई थी। राजनीति में कदम रखने के 5 साल बाद कनीज फातिमा एक राजनेता कर्नाटक विधानसभा में अकेली मुस्लिम महिला है। सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर भाजपा के प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के 1 साल बाद गुलबर्गा उत्तर से मौजूदा कांग्रेस विधायक ने अपनी सीट बरकरार रखी है। कर्नाटक की दौड़ जीतने के बाद मुख्यमंत्री की गद्दी की दौड़ अब केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया के बीच है, क्योंकि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार देर शाम खुद को इस पद के लिए खारिज कर दिया। खड़गे ने कहा कि वह अब 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की है। दक्षिण भारत को भाजपा शासन से मुक्त कर दिया है। बेंगलुरु चिकमंगलूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को अपने करीबी दोस्त एचडी थमैया से करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थमैया ने बीजेपी के गढ़ जीत ली है। जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने की घोषणा की तो व्यापक विरोध हुआ। इन सबके बीच थमैया बीजेपी के एक ताकतवर नेता को हराने में कामयाब रहे हैं।